Now, a day after Narendra Giri, the head of a top religious body, Akhil Bharatiya Akhada Parishad, allegedly died by suicide in UP's Prayagraj, his closest disciple has been arrested. The police have filed an FIR against Anand Giri, who was Narendra Giri's protege and closest aide until they fell out in May. Caught by the police in Uttarakhand last evening, he's been accused of harassing the seer. Anand Giri was allegedly expelled by the seer over allegations of fraud and financial mismanagement. There was a patch-up then a few days later. This happened earlier in the year. Narendra Giri was an influential seer, seen frequently with top politicians of the country. Chief Minister of UP, Aditya Nath, is visiting the ashram in Prayagraj, while Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya has said that the case could be handed over to the CBI if needed. कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम जो यहां के एडीजी जॉन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। परसों ही मैं यहां से उनका आशीर्वाद लेकर के दर्शन करके गया था। कल समाचार मिला है, आज उनको अंतिम विदा देने आना पड़ेगा। यह सोच करके सुन करके ही मैं बता नहीं सकता हूं क्या बीत रही है हम लोगों पर। पूरा प्रयागराज दुखी है, पूरा प्रदेश और देश दुखी है, और जिस भी कारण से महाराज जी की यह स्थिति हुई है, हर कारण की जांच कराएंगे और जो भी इसके दोषी होंगे उनको खोज निकालेंगे, उनको कठोर से कठोर से कठोर से कठोर दंड दिलाएंगे और इस प्रकार की चीज़ें स्वीकार नहीं की जाएंगी। हर जाँच के लिए तैयार है। मतलब CBI जाँच भी अगर जरूरी होगी तो होगी? जी हाँ, जरूरी होगी। CBI जांच के लिए भी तैयार है। सरकार किसी भी चीज में जो पूज्य पंच परमेश्वर या अखाड़ा परिषद जो भी मांग रखेगा, सरकार किसी मांग से पीछे नहीं।